जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई पढ़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं, ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। ज्ञान प्राप्ति सदा ही समर्पण से होती है, यह हम सब जानते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है? क्या हमने कभी विचार किया? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाए हुए पाठों पर संदेह जनता है, और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है। नहीं, क्या ऐसा नहीं होता? न जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं, और मन की इसी अयोग्य स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा आदि भावनाओं को दूर कर हृदय को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है। वास्तव में ईश्वर की सृष्टि में ना ज्ञान की मर्यादा है ना ज्ञानियों की। गुरु दत्तात्रेय ने तो गाय और श्वान से भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अर्थात विषय ब्रह्म ज्ञान का हो, या जीवन के ज्ञान का, या गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्ञान का, उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व है उस गुरु के प्रति हमारा समर्पण। क्या ये सत्य नहीं?
प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा क्षण अवश्य आता है जब सारे स्वप्न, सारी आशाएं, सारे दृश्य ध्वस्त हो जाते हैं, जीवन के सारे आयोजन ही बिखर जाते हैं। एक और धर्म होता है और दूसरी ओर सुख, किसी को धर्म संकट कहते हैं। जब धर्म का वहन ही संकट और धर्म का त्याग ही सुख। विचार कीजिए, कभी किसी स्वजन के विरुद्ध सत्य बोलने का अवसर प्राप्त हो जाता है, कभी ठीक दरिद्रता के समय सरलता से चोरी करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है, कभी किसी शक्तिशाली राजनेता या राजा के कर्मचारी का अधर्म प्रकट हो जाता है। सबके जीवन में ऐसी घटना बनती ही रहती है। अधिकतर लोग ऐसे किसी क्षण को धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाते, हमें किसी प्रकार के संघर्ष का अनुभव ही नहीं होता, सहजता से सुख की ओर खींचे चले जाते हैं जैसे मक्खी गुड़ की ओर खींची चली जाती है। वास्तव में धर्म संकट का क्षण ईश्वर के निकट जाने का क्षण होता है। यदि हम संघर्षों से भयभीत ना, सुख की ओर आकर्षित ना, अपने धर्म पर दृढ़ रहे, तो ईश्वर का साक्षात्कार दूर नहीं। पवन से युद्ध करने वाला पत्ता यदि पेड़ से गिरता है तो भी आकाश की ओर उठता है। पवन से झुकने वाली घास वही भूमि पर रह जाती है। अर्थात धर्म संकट से यदि हम संकट को ही टाल दें तो सुख तो मिलता है, जीवन बढ़ता है, किंतु क्या चरित्र नहीं टूटता? क्या आत्मा दरिद्र नहीं हो जाती? क्या ईश्वर से अंतर नहीं हो जाता? स्वयं विचार की। दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि इन सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं, और यदि अनजाने में भी कोई अन्य व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है, क्या हमने कभी विचार किया? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते, अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोपते हैं, अर्थात किसी की स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं। और जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है, और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह है, क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं? स्वयं विचार की। सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय मन को घेर लेता है। किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है, अर्थात जैसा हुआ था वैसा केवल बोल देना सामान्य सी बात है। किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है,
कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन, दूसरे को दुख होगा ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अर्थात क्या प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का क्षण नहीं होता? स्वयं विचार कीजिए। श्रेष्ठता का क्या अर्थ है? श्रेष्ठता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात मूल्य इस बात का नहीं कि स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किया, मूल्य इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ज्ञान अन्य लोगों से कितना अधिक है। अर्थात श्रेष्ठता की इच्छा ज्ञान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है। और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पाता। फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है। किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रयत्न करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना, किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, मात्र आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त करना। उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य से स्पर्धा नहीं होती, स्वयं अपने आप से स्पर्धा होती है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले को देर अबेर सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बिना प्रयत्न के ही वो श्रेष्ठ बन जाता है। किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है वो श्रेष्ठ बने या ना बने, उत्तम कभी नहीं बन पाता। सपनों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण साथ जन से, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन लेती। यही तो जगत का चलन है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का अवसर, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का अवसर। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए। स्वयं विचार कीजिए। Thank you.
का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है। किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा। जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन्म ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते, ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती है, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति, जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है। और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए। पिता सदा ही अपने संतान के सुख की कामना करते, उनके भविष्य की चिंता करते रहते। इसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया, मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है ये। किंतु तीन प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार तो अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा? तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर
संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? सोचिए। धन, प्रेम, अहंकार। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी प्रबल क्यों ना हो, परंतु उसके रहस्य उसके नाश की चाबी होती है। इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है, तो अपने रहस्य को किसी को भी ना बता, ना मित्र को और ना ही शत्रु को, क्योंकि समय पड़ने पर कब कौन शत्रु हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञात था, इसीलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो सके। इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयं तक ही सीमित रखें। मनुष्य जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता? वो परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है, और ये सब करने के पश्चात भी जब उसका काम नहीं बनता तो वो नकल करता है ना? तनिक लौटिए अपने बचपन में, स्मरण कीजिए अपने बचपन की स्मृतियों का। क्या स्मरण हुआ? विद्यालय में जब आप परीक्षा देने जाते थे तो क्या होता था? आप ना सह, परंतु कोई ना कोई सफलता पाने के लिए नकल करता ही था और उत्तीर्ण भी हो जाता था, है ना? परंतु जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। नकल करने वाला सफल नहीं होता। कारण, विद्यालय में सबके प्रश्न पत्र एक होते थे, परंतु जीवन के प्रश्न पत्र और उनकी कठिनाई सबके लिए भिन्न होती, तो निश्चित रूप से उनके उत्तर भी भिन्न होंगे ना। इसलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल ना कीजिए, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढिए और सफलता आपकी ही होगी। मनुष्य का जीवन हार और जीत, विजय और पराजय, सफलता और असफलता के मध्य झूलता रहता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, है ना? जब आप सफल होते हैं, किसी चुनौती पर विजय पाते हैं, तो मन प्रसन्नता से आनंद के उपवन में झूमने लगता है, और जब आप असफल होते हैं तब मन दुख और पीड़ा के सागर में डूबने लगता है। परंतु वास्तव में सफलता और असफलता है क्या? तनिक ध्यान से सोचिए। ये केवल हमारी मनोस्थिति मात्र है। हमारी पराजय तब नहीं होती जब हमारा शत्रु विजय प्राप्त कर ले। हमारी पराजय तब होती है जब हम पराजय स्वीकार करें। हम असफल तब नहीं होते जब हम लक्ष्य ना पा सकते। हम असफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर दें। इसलिए प्रयास करते रहें और हार ना माने, क्योंकि जिस दिन आप हार स्वीकारना बंद कर देंगे, जीत आपके चरणों में होगी। आप सबने बरगद के वृक्ष को तो देखा ही होगा। क्या आपको ज्ञात है बरगद के वृक्ष के बीज का आकार राई से भी छोटा होता है, परंतु बरगद का वृक्ष संसार के महाकाय वृक्षों में जाना जाता है। जब उसका जन्म होता है तब उसमें वो जटाए, वो शाखाएं नहीं होती, परंतु जैसे जैसे उसका विस्तार होता है,
जैसे जैसे वो अधिक शाखाओं का भार उठाता है, अधिक पत्तियों का सृजन करता है, वैसे वैसे उसकी शाखाएं जटाएं बनकर जड़ तक पहुंचती है और इस वृक्ष को सहारा देती है। ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पथ है। बिना लोभ लालच शुभ कार्य कर अन्य लोगों की सहायता करें। धीरे धीरे आपने जिनकी सहायता की वो आपके सहायक बनते जाएं, आपकी जड़ों को और बलशाली बनाएंगे, आयु मान और आकार बढ़ाएंगे। सहजीवन, सहायता और निष्काम कर्म आपको मृत्यु के पश्चात भी मरने नहीं देगा, आपको अमर रखेगा। हमारा शरीर प्रकृति का एक महान आविष्कार है। इससे जटिल संरचना संसार में और कोई नहीं। हमारा शरीर जितना जटिल है, यदि इसे ठीक से जाना जाए तो इससे अधिक सरल ज्ञान देने वाला और कोई नहीं। हमारे शरीर में पंच इंद्रियां होती हैं, जो हमें भाव, गुण और वस्तुओं का बोध कराती हैं। हमारे पास आंखें, नाक, स्पर्श के लिए त्वचा है, कान है और जीभा है। सबका भिन्न भिन्न कार्य है। आंखों से देखना, कानों से सुनना, नथनों से श्वास लेना, त्वचा से स्पर्श करना और जीभा से स्वाद लेना। परंतु क्या आपने कभी सोचा कि प्रकृति ने हमें दो आंखें दी, दो नथने दी, दो कान दी, स्पर्श के लिए ये पूरा शरीर दी, परंतु जीभा केवल एक दी? ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति चाहती है कि हम देखें अधिक, सुने अधिक और ज्ञान अधिक अर्जित करें, बोले कम। क्योंकि अधिक वाचाल नाश को निमंत्रण देता है। स्मरण रखिएगा। सदा यही कहते आए कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो। सत्य कहते हैं अपनों का साथ देना ही चाहिए, परंतु साथ देने से पूर्व यह अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र? अपने वो होते हैं जो हमें सद्कार्य के लिए प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ाएं, हमारा साथ दें, और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश, धर्म की हानि, वो सगे हो करके भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दे, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाएं। आप जिनसे प्रेम करते हैं सदा उनके समीप रहना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े, बिछड़ना पड़े। परंतु एक समय के पश्चात अपनों से दूर हो जाना उन्नति के लिए आवश्यक है। आप माता पिता हैं, यदि आप अपनी संतान के जीवन के हर पग पर उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे तो आपकी संतान स्वयं मार्ग चुनना कैसे सीखेगी, मार्ग के कांटों से स्वयं को बचाना कैसे सीखेगी? इसीलिए एक समय के पश्चात अपनों से बनाई गई दूरी सदा लाभदायक रहती है। आज मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूं। एक दिन प्रातः एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दिया। व्यापारी घबरा गया
वो फिर से घर लौट गया और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। और जब वो पुनः अपने घर से निकला तब वो वाहन जा चुका था जिससे राजा तक पहुंचकर उसे भेंट देनी थी। राजा को भेंट नहीं मिली, राजा क्रोधित हो गए। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा। पत्नी अपने बच्चों समेत मायके वापस चली गई और उस व्यापारी के जीवन में यदि कुछ रह गया था तो केवल अंधकार। और इन सब का कारण वो उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था। ऐसा ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेंट देने निकला और उस व्यापारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दिया। वो व्यापारी तनिक घबराया परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा। राजा तक वो समय पर पहुंचा, उसने राजा को भेंट दी। राजा प्रसन्न हुए और राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी, स्वर्ण आभूषण दी। जब व्यापारी घर पर पहुंचा तो पत्नी को आभूषण और अपने बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे उसके पास। हर ओर प्रसन्नता थी। समझ रहे हैं ना, दोनों के साथ एक ही प्रकार की घटना हुई परंतु दोनों की प्रतिक्रिया भिन्न थी। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में प्रारब्ध का अपना स्थान है परंतु उससे कई अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया, हमारे सोच का प्रभाव है। क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन सदैव आनंदमय। हम सभी अपने जीवन में कोई ना कोई कार्य करते हैं। कार्य करते हैं तो थकान की अनुभूति होती है और यदि थकान ना उतरे तो कार्य करने का मन नहीं करता। हम आशा करते हैं कि कदाचित एक दिन में 24 के स्थान पर 26 घंटे होते तो आराम करने के लिए हमें और अधिक समय मिल जाता। हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं, है ना। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग संसार में सफल हैं उनके पास भी सफल होने के लिए दिन में केवल 24 घंटे थे, तो फिर वो सफल क्यों है? इसका एक छोटा सा रहस्य है। वो कार्य चुनते हैं जो उन्हें प्रिय, जिसे करने में उन्हें आनंद आता है। उन्हें लगता ही नहीं कि वो कार्य कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो प्रतिपल आनंद मना रहे हैं। और जब आप आनंद मनाते हैं तो थकान कैसी। इसलिए यदि आप जीवन में कोई भी कार्य करें तो वो आपके मन को भाना चाहिए, या जो कार्य आप कर रहे हैं उसे अपने मन को भा देने। सफलता आपको मिलेगी। कभी सोचा है हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की भांति है? जो रेत नीचे गिर चुकी है वो हमारा अतीत है, जो अब भी ऊपर है वो हमारा आने वाला भविष्य है, और वर्तमान ये संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे करके रेत गिर रही है। अर्थात हमारे पास जीने के लिए यही एक क्षण है। उसका उपयोग कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है। जो बीत गया उसका दुख मनाना है, या जो भविष्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है। सब कुछ करने के लिए यही एक क्षण है। प्रसन्न रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है। प्रतीक्षा करते रहोगे तो ये पल भी भूतकाल में बदल जाएगा। इसलिए आनंद के लिए, परोपकार के लिए प्रतीक्षा ना कीजिए,
आपके पास जो पल है उनका भरपूर सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इस घड़ी को पलटकर आप फिर से समय अवश्य गिन सकते हैं, परंतु अपना बीता हुआ समय आप वापस नहीं लौटा पाएंगे। मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपनों से नीचे के स्तर के लोगों को वो हे दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति मान होता है तो वो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वो है समय। काल, काल अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता, समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। गर्व, अभिमान और अहंकार, ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु तीनों का अर्थ भिन्न होता है और परिणाम भी। तीनों का आरंभ प्रेम से होता है, स्वयं से प्रेम। परिश्रम हमारे मन में गर्व को जन्म देता है और सफलता अभिमान जगाती है। यहां तक ठीक है, परंतु जब ये भावना अहंकार बन जाती है तब वो समस्या बन जाती है, क्योंकि सबसे बुरा अंत अहंकारी का ही होता है। परंतु मनुष्य के लिए पहेली यही है कि पहचाना कैसे जाए कि अहंकार जग गया है और उसका दमन आवश्यक है। इसका उत्तर मैं नहीं, आपका मन देगा। जब तक आप स्वयं से प्रसन्न हैं, जब तक आप सबसे ऊंचा उठने का प्रयास कर रहे हैं तब तक ठीक है, परंतु जब आपके मन में दूसरों को नीचा समझने का भाव आ जाए तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही अहंकार है जो वास्तव में आपको हीन कर रहा है। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूं। एक दिन गोकुल में दो व्यापारी आए। एक व्यापारी शहद का था, बड़ा मीठा शहद था उसका, परंतु वो गोकुल में टिक नहीं पाए, उसके व्यापार ने घाटा खाया और शीघ्र ही वो गोकुल छोड़कर चला गया। और दूसरा व्यापारी मिर्च का था, पहले दिन वो एक पोटली लाया और दूसरे ही दिन वो पूरी बैलगाड़ी भर कर लाया, और धीरे धीरे पूरी मथुरा में उसकी धाक जम गई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, तो मैंने बाबा से पूछा कि ऐसा क्यों कि एक मीठे शहद का व्यापारी कंगाल हो गया और एक मिर्च का व्यापारी धीरे धीरे नगर सेठ बन गया। बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मीठी बोली बोलने वाले की तीखी मिर्च भी बिक जाती है, और जो कड़वी बोली बोलता है उसका मीठा शहद भी नहीं बिकता। वाह, कितने उत्तम विचार हैं उनके, और उचित ही है। मनुष्य अपने जीवन में सदैव अपने वचनों से उठता है और अपने वचनों से ही गिरता है, इसलिए अपने जीवन में सदैव मीठी बोली बोलने का प्रयास कीजिए,
आपका जीवन सरल हो जाएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? सोचिए। धन, प्रेम, अहंकार। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी प्रबल क्यों ना हो, परंतु उसके रहस्य उसके नाश की चाबी होती है। इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है, तो अपने रहस्य को किसी को भी ना बताए, ना मित्र को और ना ही शत्रु को, क्योंकि समय पड़ने पर कब कौन शत्रु हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञात था, इसीलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो सके। इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयं तक ही सीमित रखें। युवा अवस्था भी हमारे जीवन का कितना सुंदर काल होता है ना। बाहू में बल, मन में कुछ बड़ा कर जाने की चाह, आंखों में भविष्य के सुंदर और कोमल सपने, और इसी अवस्था में मनुष्य के भीतर पनपता है प्रेम। किसी को देखकर उस पर मन मोहित हो जाता है और फिर मनुष्य अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर देना चाहता है। फिर प्रेम की परिणति होती है विवाह में। क्यों? सबको अपने खट्टे मीठे संस्मरण स्मरण हुआ है ना। परंतु यहीं से अधिकतर माता पिता और संतान के मध्य विचारों का विरोध प्रारंभ हो जाता है। संतान को लगता है कि उसका चुना जीवन साथी ही उसके लिए उपयुक्त है, और माता पिता को लगता है कि संतान अनजाने में भूल कर रही है। संतान का तर्क होता है कि उसे विवाह किससे करना है, ये उसका अधिकार है। और माता पिता का तर्क ये होता है कि अब भी जीवन साथी चुनने की समझ संतान में है ही नहीं, तो इस अवरोध को काटा कैसे जाए, उचित निर्णय कैसे लिया जाए। इसका एक ही मार्ग है, अपने उत्तरदायित्व का भान और अपनों से बड़ों के मापदंडों का भान। विवाह करने से पूर्व ये जान लेना आवश्यक है कि विवाह केवल अपने प्रेम को पाने का मार्ग नहीं है, अपितु विवाह से जीवन का एक नया द्वार भी खुलता है, और हर नए जीवन के साथ नए उत्तरदायित्व भी होते हैं। और यदि इन उत्तरदायित्वों को समझकर निर्णय लिया जाए तो विश्वास कीजिए, आपका दाम्पत्य जीवन आनंद से भरा रहेगा, और आपको कभी ये पछतावा नहीं होगा कि आपने कोई अनुचित निर्णय लिया। सागर का जल वाष्प बनकर उड़ता है तब वो हमें दिखाई नहीं देता, मेघ उस जल को अपने भीतर छिपा लेते हैं, लंबी यात्रा करते हैं, प्रयास करते हैं कि वो जल सदा उनके भीतर छिपा रहे, परंतु जब वायु का वेग उन्हें उड़ाकर किसी पर्वत से ले जाकर के टकरा देता है तब उन मेघों को बरसना ही पड़ता है, क्योंकि यही नियति है, यही प्रकृति है, क्योंकि जल को सागर में जाकर मिलना ही है। ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम सत्य अपने मन के मेघों में चाहे जितना छिपाने का प्रयास कर ले, परंतु समय की आंधी उसे वास्तविकता के पर्वत से ले जाकर के टकरा कर हमारे समक्ष ले ही आती है, जिस भय के कारण आप सत्य को सामने नहीं लेकर आना चाहते। एक दिन वही भय हमारे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है और फिर हम लाचार हो जाते हैं, क्योंकि हमने उस भय का सामना करने की तैयारी नहीं की होती। इसलिए सत्य से भागे नहीं, उसे छिपाए भी नहीं, उसे स्वीकार करें, भविष्य की बड़ी विपत्ति से बच जाएंगे।
कभी कभी आप सबके जीवन में एक ऐसी विचित्र समस्या अवश्य आती है कि शक्तिशाली के समक्ष मौन हो जाए। उस शक्तिशाली से विवाद करने से बचने के लिए आप मौन रह जाते। मानता हूं ऐसा करने से आप एक विवाद से बच जाते, एक संघर्ष से बच जाते, परंतु ऐसा बचाव एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। कैसे? हमारा मौन रहना अनजाने में उसका समर्थन बन जाता है और वो स्वयं को अधिक शक्तिशाली अनुभव करता है और यहां से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक हम अन्याय में अनचाहे रूप से सम्मिलित होते चले जाते हैं। तो इसका तोड़ क्या है? ये समझने के लिए ये जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको विरोध करने से रोकती है। ये सामने वाले की शक्ति नहीं जो आपको रोकती है, ये आपके भीतर छिपा भय है जो आपको रोकता है। हाँ, कभी कभी भय आपकी सुरक्षा अवश्य कर सकता है, परंतु साथ साथ ये भी जानना आवश्यक है कि ये भय ही है जो आपको मौन भी रखता है। इसलिए अपने मन से भय को निकालिए और खुलकर अनीति का, अन्याय का विरोध कीजिए और फिर देखिएगा आपका मन कितना मुक्त, कितना हल्का अनुभव करेगा।